और इस वक्त हमारे साथ कानपुर के पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड जुड़े हैं। उनसे हम नए साल को लेकर कानपुर में कैसी तैयारी है ये जानेंगे और कई सवाल जिनके जवाब हम उनसे लेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नए साल पे कई तरह के कई लोग होते हैं जो उत्पात भी मचाते हैं, कहीं सुरक्षा की कोई चूक ना हो, किस तरह की तैयारी है ये हम समझेंगे। बीपी जोगदंड जी, न्यूज़ वन इंडिया पे आपका स्वागत है। सवाल सबसे पहला सर यही कि नया साल आने को है और 31 दिसंबर की रात को कई जगह पार्टीज होती हैं, कई जगह हुड़दंग भी होता है, पुलिस प्रशासन कितना तैयार है उन तमाम चीज़ों से निपटने के लिए, चुनौतियों से निपटने के लिए? नए साल के पुलिस ने बृहत व्यवस्थाएं कल शाम से ही जनपद में लागू कर दी गई है। जो बड़े आयोजन है जहाँ पर बड़े लेवल पे आयोजन होते हैं, उन आयोजकों के साथ विस्तृत रूप से वार्ता की गई है। वहाँ आयोजन स्थल पे जो आयोजकों की तरफ से तैयारी की गई है, चाहे वहाँ की जो कैपेसिटी हो उस जगह की, वहाँ के फायरफाइटिंग इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिक कनेक्शन हो, चेकिंग सुनिश्चित कराई गई है। ये सुनिश्चित कराया गया है कि सभी ऐसे उपकरण वहाँ पर सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं, पार्किंग की व्यवस्था वहाँ पर देखी गई है, भीड़ भाड़ ना हो, ट्रैफिक रेगुलेटेड रहे, इसके लिए हमने व्यवस्था की है। आयोजकों को चेतावनियाँ दी गई है कि ये असलाह लेकर कोई वहाँ पर प्रवेश न कर पाए, इसकी इसको सुनिश्चित करेंगे। फर्स्ट फायरिंग की घटना कहीं पर भी ना हो, ये भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त पूरे जनपद में सभी सड़कों पर ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू रूप से रहे, कहीं जाम न लगे, इसके लिए चौराहों पर जगह जगह पर हमने ड्यूटियां लगाई है। फुट पेट्रोलिंग और व्हीकल पेट्रोलिंग की बृहद व्यवस्था करी है। दूर दराज के क्षेत्रों में जो पर्स पड़ते हैं उनकी रेकी कर ली गई है। उन रास्तों पर भी हमने बृहद व्हीकल पेट्रोलिंग की व्यवस्था रखी है। कुल मिलाकर कानपुर पूर्णतया से सजग है, ताकि सभी जनपद वासी नए साल का जश्न कानून के दायरे में रहते हुए अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मना पाए। सर, कई जगह कुछ युवा स्टंटबाजी करते हैं, कई जगह खुले में शराब पी जाती है, क्या इसको लेकर भी पुलिस पूरी तरह से सतर्क है कि इसको रोका जाए, खुले में शराब ना पी जाए? इसके संबंध में हमने सोशल मीडिया का बहुत प्रयोग किया है, सबको आवश्यक सलाह और चेतावनियां हमने निर्गत की है। ऐसे सभी स्थल चिन्हित किए गए हैं, चाहे वो गंगा के घाट हो, चाहे पूर्व में ऐसे प्रकाश में आए जगह जहाँ पर इस तरह के जमघट होते हैं, वे रास्ते जहाँ पर बाइक रेसिंग वगैरह करते हैं शराब पीकर, वो सभी जगहों को चिन्हित किया गया है। आज शाम से ही वहाँ पर एक मैसेज दिया जाएगा कि पुलिस सख्ती से इनसे निपटेगी, वहाँ पर चेकिंग वगैरह की व्यवस्था हमने आज शाम से ही, शाम को भी चेकिंग कराएगी। और चूंकि सर आप खुद वाकिफ हैं कि दुनिया के कई देशों में कोरोना इस वक्त डराने लगा है, भारत सरकार यूपी सरकार भी पूरा तरह से अलर्ट है, पुलिस प्रशासन व्यापारियों से क्या इस तरह का तालमेल बिठाया गया होटल एसोसिएशन के साथ कि देखिए भीड़ ज्यादा ना हो, कोरोना का प्रोटोकॉल का भी पालन हो? ये हमने जन जागरूकता का अभियान यहाँ पर चलाया था, जो कोरोना से लेकर सावधानियां हमको बरतनी है उसके संबंध में सभी को अवगत कराया गया है। सोशल मीडिया पर भी इस तरह के मैसेजेस डाले हैं। मेरे ख्याल से जितनी व्यवस्थाएं पुलिस ने की है, जितनी जन जागरूकता की है, जितनी सोशल मीडिया पे हमने सलाह और चेतावनी दी है, सभी नागरिक वासी इन नियमों का पालन करते हुए यह जश्न मनाएंगे। ट्रैफिक को लेके क्या प्लानिंग है सर, चूंकि कई जगह जाम की स्थिति बन जाती है, क्या कुछ रूट डाइवर्ट किए गए, कुछ इस तरह के रास्ते निकाले गए या कोई ट्रैफिक प्लान आपका? ट्रैफिक प्लान बृहद रूप से बनाया गया है, उसको लागू भी कर दिया गया है। इसमें जिन सड़कों पर रास्तों पर जश्न के दौरान भारी भीड़ भाड़ होती है पैदल वालों की, तो ऐसी जगह केवल पैदल चलने वालों के हमने चिन्हित की है, उन पे रेगुलर ट्रैफिक नहीं चलेगा। बाकी जगह पे चौराहे पर ट्रैफिक डाइवर्जेंस भी हमने लागू की है। चूंकि कानपुर पुलिस काफ़ी एक्टिव पिछले कई दिनों में दिखाई दी और अब भी हम उम्मीद करते हैं कि वो एक्टिवनेस जो है आगे भी दिखाई देगी, लेकिन सर नए साल के जश्न में कुछ लोग खलल डालने का भी काम करते हैं, ऐसे असामाजिक तत्व से निपटने के लिए भी प्रशासन पुलिस पूरी तरह से तैयार है? जो चिन्हित व्यक्ति हैं ऐसे, उनको पहले से ही आगाह किया गया है, उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई भी की गई है, थानों के संज्ञान में हुड़दंग मचा सकते हैं। बाकी जो हमने किया है उसके बावजूद भी यदि कहीं ऐसे पाया जाता है तो कानपुर पुलिस उसके साथ सख्ती से निपटेगी, कानून के दायरे में रहते हुए
कार्रवाई की जाए। जी, और क्लब्स होटल्स के लिए क्या कोई गाइडलाइन है कि कितने बजे तक वो खुले रहेंगे, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि देर रात तक इस तरह की जो नियम है उनकी फिर अनदेखी होती है, पुलिस प्रशासन इसको लेके अलर्ट? ये मैंने जैसे कहा आयोजकों के साथ बैठक जो हुई है और थाना स्तर पर जो बैठक हुई है, ऐसे सभी आयोजकों को रेस्टोरेंट ओनर्स को इस संबंध में आगाह किया गया है। नए साल के जश्न को लेकर जो नियम है उनका अवश्य पालन कराया जाएगा, टाइमिंग का अवश्य पालन कराया जाएगा। यानी आप ये पूरा आश्वासन दे रहे हैं कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है और कल से ही इसको लेकर गंभीरता दिखाई जा रही है और आने वाले नए साल में किसी तरह का खलल ना हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह तैयार है? बिल्कुल, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और सजग है और जब तक ये जश्न चलेगा वो सजगता से अपनी ड्यूटी संपादित करता रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया कमिश्नर साहब हमें वक्त देने के लिए, न्यूज़ वन इंडिया से बात करने के लिए, और आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले साल की, ताकि पुलिस प्रशासन, देखिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस के कंधों पे होती है कि कहीं पे कोई हिंसा ना हो, कहीं पे कोई अप्रिय घटना ना हो, कहीं पर कोई शरारत ना हो, और उसको लेके कानपुर के पुलिस कमिश्नर को आपने सुना जिन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है, लोग नए साल का जश्न भी मनाएं लेकिन नियमों का भी ख्याल रखें।